सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ऐसा क्या जादू किया है या जादू करवाया है, नाना करने वाली ऑपोजिशन कैसे एक ही रात में बिल मंजूर हो गया, सेनेट से बिल पास करने के लिए किसी ने कोई सालिसी की कोशिश की है, सालिसी करवाई है हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान? जी अस्सलाम वालेकुम किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और भारत को शिकस्त खानी पड़ी। और यहाँ पे जो एक यकजहती का मैसेज है वो भी कमाल गया, तो इससे पाकिस्तान की गरीब आवाम को फायदा होना है, क्योंकि ये नून लीग ने हमें धकेल दिया था फैटिव की ग्रे लिस्ट में, और ये उस पर आते हैं कि किस तरह से हम फैटिव की ग्रे लिस्ट में चले गए थे। लेकिन इंशाल्लाह अब हम, ये बहुत जरूरी लेजिस्लेशन थी, कानून साजी थी, इसके बाद हम फैटिव की ग्रे लिस्ट से निकलेंगे। और जो ग्रे लिस्ट में होने के बाद भारत को खुशी होनी थी, और जो पाकिस्तान की आवाम पे जो महंगाई का एक तूफान आना था, जो प्रॉब्लम्स आनी थी, तो उससे बचना बहुत जरूरी है। और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि भारत को उसकी मुंह की खानी पड़ी, उसने पूरी कोशिश की, हम दोनों महाज पर खारजा पॉलिसी के ऊपर भी कामयाब हुए और यहाँ पे कानून साजी करने में भी हमने यकजहती दिखाई और कामयाब हुए, और इंशाल्लाह पाकिस्तान बुरानों से निकलेगा, नंबर वन। नंबर टू, देखें जो इंतहाई कौमी मुफाद की लेजिस्लेशन होती है उस पर सियासत होनी नहीं चाहिए। ये अपोजिशन ने बड़ा गलत किया जो इसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की, वो इसलिए कि उन्होंने जोर दिया नैब के कानून में तरमीम को इसके साथ, बार्गेन करना चाहते थे। नैब में तरमीम 38 जो शिके हैं उसमें से 34 कहते हैं तरमीम कर दे, ये है वो पूरा NRO, ये जो कहते थे कौन सा NRO, इमरान खान जो कहते हैं कि NRO नहीं दूंगा, वो कौन सा NRO है हजूर, ये है वो NRO, ये 34 अमेंडमेंट्स जिसमें आपने पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के, अपने जो केसेस हैं उन करने की कोशिश की गई है कि 99 से पहले जो कुछ हुआ उसे छोड़ से छोड़ दें, उसको टच ना करें, सारे महल को टच ना करें, उदैबिया केस टच ना करें, चौधरी शुगर में केस जो है वो टच ना करें, मेफेयर अपार्टमेंट्स, सरे महल, एवन फील्ड अपार्टमेंट, जितने केसेस है वो टच ना करें। और 99,999 रुपए तक की करप्शन करने दें, और 1 अरब से कम का जो है वो केस ना चल सके, नैब मनी लॉन्ड्रिंग पे हाथ ना डाल सके। तो ये सारी चीजें और भी काफी कुछ है करण, इसमें ये जो डॉक्यूमेंट है इनका प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है ना 34, और इसमें हर एक अमेंडमेंट के पीछे इनका एक बंदा छूटता है, यानी कि आम आदमी के लिए झेले और इनके लिए वेले, इस तरह तो नहीं होता ना, ठीक है। ये वाला फैसल जो इनकी जानिब से 35 प्रपोजल्स में जो अशिक मौजूद थी वो तो आपने बताया, लेकिन अब मुझे बताएं कि ऑपोजिशन के मुताबिक तीसरा बिल जो इकोनॉमिक टेररिज्म बिल था उसमें इख्तियार दिया जा रहा था कि किसी पाकिस्तानी को 180 दिन के लिए लापता कर दें, उस शख्स को जहां मर्जी रखें, वो किसी अदालत में नहीं जा सकता। सर ये कौन सा बिल लाना चाह रहे थे आप लोग और क्यों फिर इस बिल से दस्तबरदार हो गए? किरण शुक्र है आपने ये सवाल कर लिया, किरण शुक्र है आपने ये सवाल किया है, क्यों? मैं देख रहा हूँ ये टेलीविजन पे बैठे हुए हैं सारे झूठ बोल रहे हैं ये ऑपोजिशन वाले। उस अगर ये जो कह रहे हैं ना हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया, उसका तो ताल्लुक फैटिव के साथ है ही नहीं। अगर उसका ताल्लुक फैटिव के साथ होता तो हम तो पूरा जोर लगाते और करवाते, क्योंकि फैटिव की कानून साजी तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना किरण, तो वो कैसे हो सकता है? वो जो था एक ऑर्डिनेंस था जो लैप्स कर गया, वो इकोनॉमिक टेररिज्म से इसका फैटिव से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मंत्रा चेक करें इनका, सारे चैनल्स पे बैठ के कह रहे थे हमने वो फैटिव वाला बिल जो है उसमें कर दिया। अच्छा, जो अमेंडमेंट भी इन्होंने किए हैं वो अमेंडमेंट तो अमेंडमेंट, खैर उनको नहीं कहना चाहिए जो बिल पास हुआ है, वो एक कुछ वर्डिंग का है, पर्सन का उन्होंने डाल दिया, बाकी उसी तरह पास हो गया, विच इज गुड। हम एक चीज तो अप्रिशिएट करेंगे यहाँ पे कि कमेटीज के अंदर उसके अंदर बहुत से अपोजिशन के अराकीनों ने बड़ा जबरदस्त अच्छा रोल प्ले किया। हम यही कहते हैं भाई कि आप अपोजिशन करो तो अच्छा। फैसल, ये जो मैंने आपसे सवाल किया, गालिब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, फैसल मैंने आपसे जो सवाल किया जिस पर आपने कहा कि शुक्र है मैंने ये सवाल पूछ लिया, ये 180 दिन लापता रखना, अदालत नहीं जाना, सर ये बिल आप लोग ला रहे थे फिर इससे दस्तबरदार हो गए?
नहीं, मैंने इसका आपको अभी तफसीली जवाब दिया ना किरण, ये बड़े ड्रामे बाज है, ये बैठ के टीवी पे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। अरे बाबा, ये इसका पैटर्फ के बिल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इकोनॉमिक टेररिज्म ये ऑर्डिनेंस था जो लैप्स कर गया, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है फैसल, दुरुस्त, मान लिया इसका फैटफ से कोई ताल्लुक नहीं है, दुरुस्त है फैटफ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये बिल ला रहे थे आप लोग, प्रपोजल था इकोनॉमिक टेररिज्म बिल का। इस वक्त तो नहीं था ना, मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त नहीं था कोई फैटफ से रिलेटेड। आज की अगर आप बात करते हैं कानून साजी की, तो वो फैटफ से रिलेटेड थी, उसको कामयाबी हासिल हुई है, और उसके अंदर भी जो इन्होंने अमेंडमेंट किया वो वर्ड की एक वर्डिंग के किया, बाकी वो उसी तरह से किया, अल्हम्दुलिल्लाह। In future, ये बिल लाने का इरादा है? I will have to get back to you on this. We'll have to check. ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ऑपोजिशन की जानिब से दावा ये हो रहा है कि नैब समेत चारों बिल एक साथ पास करवाना हुकूमत की ख्वाहिश थी, ऑपोजिशन की नहीं है, तो फैसल आप क्यों नैब में तरमीम चाहते हैं? अरे भाई, कमाल ही कर दिया आपने ये सवाल करके। अभी मैंने आपको ये पूरी किताब है, इतनी लंबी जोड़ी, ये चाहते हैं कि ये सारी 34 जो इन्होंने तरामीम पेश की हैं, 38 शिके हैं, उनमें से 34 में ये तरामीम दे रहे हैं के कानून। 10 साल इन्होंने हुकूमत की, नैब के बाद आने के बाद 10 साल इन्होंने हुकूमत की, 5 साल कांग्रेस पार्टी ने की, 5 साल एमएलएन ने की, कुछ भी नहीं किया नैब के कानून के अंदर। अब जो ये 34 कह रहे हैं, ये बेसिकली 34 जो है ये NRO है, ये कहते थे इमरान खान के NRO की बात करते हैं, ये है हजूर वो NRO, बाकी जो है वी आर ओपन फॉर डिबेट, हमारे दरवाजे बिल्कुल खुले हैं कि आपने अगर नैब के अंदर जो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक कुछ चीजें करनी है तो वी शुड डू। जी अच्छा फैसल, जो चार्जशीट आप या जो आप जैसे NRO कह रहे हैं, जो निकात थे ऑपोजिशन के, इसी तरीके की एक चार्जशीट हर शोज में लेकर ऑपोजिशन के लोग भी बैठे हुए होते हैं, आप लोगों के हवाले से वो दिखा रहे होते हैं कि आपके अपने क्या कहने हैं इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, आप साथ मौजूद। ताल्लुक ही नहीं है, इकोनॉमिक टेररिज्म या ऑर्डिनेंस था जो लैप्स कर गया, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है फैसल, दुरुस्त, मान लिया इसका फैटफ से कोई ताल्लुक नहीं है, दुरुस्त है फैटफ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये बिल ला रहे थे आप लोग, प्रपोजल था इकोनॉमिक टेररिज्म बिल का? इस वक्त तो नहीं था ना, मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त नहीं था कोई फैटफ से रिलेटेड। आज की अगर आप बात करते हैं कानून साजी की, तो वो फैटफ से रिलेटेड थी, उसको कामयाबी हासिल हुई है, और उसके अंदर भी जो इन्होंने अमेंडमेंट किया वो वर्ड की एक वर्डिंग के किया, बाकी वो उसी तरह से किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इन फ्यूचर ये बिल लाने का इरादा है? I will have to get back to you on this. We'll have to check. ठीक है। अब मुझे बताइए कि ऑपोजिशन की जानिब से दावा ये हो रहा है कि नैब समेत चारों बिल एक साथ पास करवाना हुकूमत की ख्वाहिश थी, ऑपोजिशन की नहीं है, तो फैसल आप क्यों नैब में तरमीम चाहते हैं? अरे भाई, कमाल ही कर दिया आपने ये सवाल करके। अभी मैंने आपको ये पूरी किताब है, इतनी लंबी जोड़ी, ये चाहते हैं कि ये सारी 34 जो इन्होंने तरामीम पेश की हैं, 38 शिके हैं, उनमें से 34 में ये तरामीम दे रहे हैं के कानून। 10 साल इन्होंने हुकूमत की, नैब के बाद आने के बाद 10 साल इन्होंने हुकूमत की, 5 साल कांग्रेस पार्टी ने की, 5 साल एमएलएन ने की, कुछ भी नहीं किया नैब के कानून के अंदर। अब जो ये 34 कह रहे हैं, ये बेसिकली 34 जो है ये NRO है, ये कहते थे इमरान खान के NRO की बात करते हैं, ये है हजूर वो NRO, बाकी जो है वी आर ओपन फॉर डिबेट, हमारे दरवाजे बिल्कुल खुले हैं कि आपने अगर नैब के अंदर जो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक कुछ चीजें करनी है तो वी शुड डू। जी अच्छा फैसल, जो चार्जशीट आप या जो आप जैसे NRO कह रहे हैं, जो निकात थे ऑपोजिशन के, इसी तरीके की एक चार्जशीट हर शोज में लेकर ऑपोजिशन के लोग भी बैठे हुए होते हैं, आप लोगों के हवाले से वो दिखा रहे होते हैं कि आपके अपने क्या कहने हैं इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, आप साथ मौजूद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।